श्लोक उरत हरै जो अंतर नाम सर्व मै पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्स परत्रय रूप न पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत कारण न सुनै काहू की निंदा सब ते जानै आपस कौ मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरै मन की वासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कूट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत। जो पाठ आया है इंद्री जित इकट्ठा पाठ संयुक्त पाठ करते हैं इंद्री जित पंच दोख ते रहत इंद्रियां नूं जितने वाला पंजां दोषां तों रहत ये पहला पाठ। दूसरा इंद्री जित पंच दुख दे रहत जिस जित दा अर्थ है जिस महापुरश ने पंजां विकारां नूं आदकां नूं जित लिया है इंद्रियां नूं जित लिया है पर मुख पाठ इंद्री जित ही जो है वह शुद्ध बनता है। सतसंगत जी जिहड़े पाठ इउं इकट्ठे आउंदे ने उचारण किया जाता है पर छपे वख वख हुंदे ने भागां विच उहनां दा कारण यह है कि संबंधक पाठ जिहड़े होण जदों असीं अपने ध्यान वास्ते अपनी जानकारी लई उहनां नूं किते पासे लिखीए तां उहनां विच एक निकी जिही आपां डंडी पा लैंदे आ जिसनों पंजाबी विच जोड़नी कहिंदे ने पच्चर पच्चर उन्हों साढ़े टाइप वाले पच्चर कहें हाँ पच्चर भी कह देंगे ने जोड़नी भी कहें इंग्लिश उन्होंने हीफन कहें हाइफन कह देंगे ने वक्री वक्री बोली है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के सरूप भागा लिखी नहीं जा सकती वह दर्शाती है कि ये अखर वक्रे भी नहीं तो पूरे इकट्ठे भी नहीं क्योंकि उसनों भागा लिखिया नहीं जा सकता इसलिए वह छपी नहीं होंगी अखर थोड़े निखेड़ के लिख दिते जाते हैं और उचारण उन्हों का संबंधक समझना जिमें इंद्री जित पाठ आया है सो इं समझना इंद्री जित पंच दोख ते रहत इं ये पाठ करना है जी। हाँ जी इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते हुए पिन कर्म करत होवै निःकर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत किरपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै पार कर पूजै सगल पार ब्रह्म कर पूजै मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मात उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म मह शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मह जानै असथूल चहवर ना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहवर नाम है जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होय साध संग पावै जन कोय
कर कृपा अंतर उर तहारै पास प्रेत मुग्ध पाथर कौतारै सर्ब रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। औखद दद्दी नाल पाठ है सर्ब रोग का औखद नाम। सर्ब रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जोगत कितै ना पाइए धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम। जिसकै मान पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर्ग है प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी परे। सगल संग आत्म उदास ऐसी जोगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सोउ कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित रख जित जित घर रख तैसा तिन नाव आपे करन करावन जोग प्रभ पावै सोई फुन होग। पसरियो आप होय अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा 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 दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल।